आप लोग देख रहा होगा मेरे को, इतना अच्छा है, बीमार सेमार नहीं है, ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ मेरा मौन है ना, जो दुख होता है, लाइक हाउ कैसे बोलेगा, मैं कैसे बोलेगा, दुख बोलता है आप लोग भी, दुख दुख होता है, तकलीफ अंदर में, ऐसा माने पेन नहीं होता है ठीक है, लेकिन दुख लाइक आई वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक वेरी सैडली, ऐसा कुछ है ना दिमाग में, कुछ सोच के इतना सेट होता है ना, लेकिन यहाँ में तो इतना दूध होता है, कुछ हो रहा है ना क्या, हो कुछ हो जाएगा ना क्या, हो ऐसा सोच के ऐसा यहाँ फील आता है पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ गरम 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 इसके साथ यहाँ से अचानक से ये ऐसा बाइक लेके स्टांग मार के ऐसा सब कुछ लेके ना करता है, लेकिन मतलब जवान में बहुत क्रेजी था। हाँ ये सब मैंने कहा कि खूब बनाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सबको स्वागत है। तो आज मैं हूँ सेफ ब्रदर के साथ में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं सेफ ब्रदर का लाइफ कैसे करके स्ट्रगल किया है, कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसका लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाला है। आज कोई ब्लॉग वगैरह नहीं होगा, ओनली सेफ ब्रदर का लाइफ का हिस्ट्री को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते इनका लाइफ कैसे स्ट्रगल करके आया है, क्या क्या हो गया है, मुसीबत से खेल के आया है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो सबसे पहले सेफ ब्रदर को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा, यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं आपके वजह से। अगर आप इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनता तो हम लोग यही गाँव को पता नहीं चलता। तो सबसे पहले असली नाम से हम लोग जानेंगे, सेफ ब्रदर बोल के हर कोई जानते हैं। हाँ। ये तो यूट्यूब का नाम है सेफ फैमिली बोल के। हाँ। तो आपका सबसे पहले आपका नाम से जानना चाहूँगी, आपका नाम। मेरा नाम है वालो, आई एम फ्रॉम नागालैंड। फिर एक छोटा बस्ती है हम लोग का गांव में, अंदर चमीन डिस्ट्रिक्ट, रमे सिंह विलेज बोलते हैं, वो लोग भी अच्छा से प्रोनाउंस करते हैं, इट्स रमे सिंह विलेज अंदर चमीन डिस्ट्रिक्ट। फिर मैं शादी हो गया ऑलरेडी, आप लोग पता है। फिर मेरा बच्चा 5 है, दो अभी छोटा वाला जुड़वा, दोनों जुड़वा है। फिर 3 लड़की, दो लड़का, दो लड़का। हाँ। फिर मैं तो एकदम मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। फिर हम लोग खेती वाला काम करते हैं, खेती काम करते हैं। अगर तो मतलब जैसा कि हो गया आपका लाइफ में जो मतलब स्ट्रगल किया ना, यूट्यूब का जर्नी जो है, कैसे करके यूट्यूब को स्टार्ट किया है, कैसे करके आपका लाइफ में यूट्यूब में आने के लिए मन किया है? यूट्यूब का बारे बोल जाएंगे तो एक्चुअली मैं हिंदी अच्छा से बात नहीं कर सकते, इतना नागा से भी बोल सकते हैं, इतना फ्लुएंट नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्त बोल दूंगा, ठीक है, मिक्स कर लो, कुछ नहीं। चलो ठीक है। बारे तो मैं पहले से पता है ना, यूट्यूब बोलने से पहले से पता है, लेकिन अर्निंग होता है ऐसा सब तो मैं नहीं पता। एक्चुअली 2015 से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। वाह, बहुत पहले से। नहीं नहीं, बात बात वो तो ऐसा कुछ मेमोरीज के लिए डालता है, अपलोड करता है। उस टाइम मैं चेन्नई में था, गर्लफ्रेंड लोग का साथ फोटो खींचेगा, वीडियो करेगा, फिर ऐसा ऐसा अपलोड करेगा अंदर में, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है। फिर यूट्यूब में फिल्म क्या क्या बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, ऐसा मेमोरीज तो डालते रहता है हम ना। फिर आके शादी करने के बाद आके नागालैंड में आया, चमिंग में बैठा मैंने, उधर बैठने के टाइम में मैं यूट्यूब ऐसा वो भी ऐसा रेगुलर अपलोड करता था मैंने, लेकिन सब फालतू है वो, ऐसा चीज़ ऐसा क्या क्या करेगा होता पोलतू, एडिटिंग भी पता नहीं, ऐसा लैंडस्केप मोड भी पता नहीं है ना, ऐसा पोर्ट्रेट मोड में खींचता है, फिर ऐसा अपलोड करता है मेमोरीज के लिए, सब बच्चा लोग को लेके ऐसा बाइक लेके स्टांग मार के ऐसा सब कुछ लेके ना करता है, लेकिन मतलब जवान में बहुत क्रेजी था। हाँ ऐसा था। हाँ। फिर उसके बाद ये फिर मेरा गांव में आया था, 2000 लॉकडाउन से गांव में आ गया ना, उस टाइम में मैंने सोचा आदमी लोग भी नागालैंड में आदमी लोग भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब खोला है, सो फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म एट आदमी ने बोला था यूट्यूब पे बहुत अर्निंग अच्छा है, ऐसा ऐसा ही बोला था, इसलिए सुन के मैं भी यूट्यूब स्टार्ट किया था। एक मेरा जो है मेरा नाम भी वालो सेफ, वालो सेफ बोलते हैं, स्टार्ट किया था मैंने एक चैनल मुकबांग, सबसे पहले मैंने मुकबांग किया था, मुकबांग से शुरू किया, मुकबांग से शुरू किया, फिर वो भी अंडा अंडा बॉयल 30 पीस अंडा बॉयल 30 पीस पूरा खा दिया, पूरा नहीं खा पाया लेकिन 30 पीस अंडा बॉयल किया। फिर क्या बोलते हैं सेंटिला लीफ बोलते हैं ना, सेंटिला लीफ विद चिली पाउडर उसका साथ खाया था मैंने, इतना खा खा के 3 दिन लेटरिन भी नहीं किया, इतना पागल हो गया मैं यार। फिर व्यूज भी नहीं आता है, फिर ऐसा आदमी लोग बहुत सपोर्ट करने की शुरू हो गया मेरे को, फिर वो अंधा खा गया ना मैं, इतना थक गया था, फिर इतना देर वीडियो नहीं बनाया। फिर उसके बाद मुकबांग करते करते इतना ज़्यादा किया लेकिन मोनेटाइजेशन नहीं मिला मेरे को, मोनेटाइजेशन कुछ नहीं हुआ, फिर व्यूज भी नहीं बढ़ाता है, 1000 हाइएस्ट होता है। फिर ऐसा ऐसा करते करते फिर
मेरा दुकान एक दुकान खोला था मैंने लकड़ी काट के, मैं चेंसो लेकर लकड़ी काटता है, मैं ऐसा कुंडा वाला फेंटा वाला लॉक काटता है, कुंडा काटता ये सब मैंने काट के खूब बनाया था। और ये दुकान पहले, ये दुकान पान दुकान जो है वो खोला एक नया, ये वाला जो पान दुकान था, हाँ पान छोटा मोटा एक दुकान था। हाँ फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब में दुकान का सामान थोड़ा सेल करेगा, वो लेकर चिकन पकड़ा लेगा, मांस लेगा, फिर बनाएगा, फिर मुकबांग करेगा, बनाएगा मुकबांग करेगा, ऐसा करते करते मेरा दुकान भी सब मर गया। वाह। इसके बाद जो लास्ट है, लास्ट हम दोनों चिकन बॉयलर 5-6 ऐसा पालाना गया दुकान का पैसा से। उसके बाद मैंने भी इतना नॉन स्टॉप नींद सोता है मैं रात में, यूट्यूब में लगे होते हैं ना। हाँ यूट्यूब में लगने के बाद रात में नींद सोता है, कब क्या हो गया, कब मेरा सब्सक्राइबर उठ गया, कब वायरल हो गया, स्क्रॉल करते करते देखते रहता है। फिर एक ने मैंने एक बार मैंने तो रोज़ एनी टाइम एनी रात में यूट्यूबर लोग सबको मैसेज करते हैं, 20,000, 30,000, 40,000 सब्सक्राइबर लोग को कोई भी रिसीव नहीं करता है, कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, लेकिन कोई कोई तो देता है, हम्बल यूट्यूबर लोग कोई कोई देता है। ये एक दिन मेरा ब्रदर एक जो है रोबिन नागा, रोबिन नागा द वन एंड ओनली, उस दिन आया था क्या यहाँ? हाँ यहाँ पे आया था उसने, रोबिन नागा जो है मेरा रिप्लाई दिया यार, उसने तो बहुत खुशी, यार ब्रो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा बोला, तो चलो ठीक है मिलेगा बोल के उसको अप्रोच किया मैंने, तो वो खूब यहाँ मेरा गांव में आया था। उस टाइम वो 23, 24, 25 मेरे लिए इतना बड़ा, तब तो इतना दयालु इंसान, इतना दिलदार वाला इंसान है जो इतना 24-25 सब्सक्राइबर होके भी आपका यहाँ में आया। हाँ मेरे लिए वो इतना बड़ा यूट्यूबर, क्योंकि मैंने तो 1,000 भी नहीं हुआ ऐसा ऐसा था, 1,000 तो हो गया ना, 1,000 तो हो गया। फिर ऐसा ऐसा हो के मैंने इतना मन दे के उसके बारे में कुछ पता नहीं, मोनेटाइजेशन के लिए कुछ पता नहीं, सब जीरो था, नीलदर कुछ पता नहीं। फिर उसने आकर मेरे को थोड़ा सब कुछ सिखाया था, कैसे कैसे कैमरा पकड़ता है, कैसे हेलो गाइस बोलता है, कैसे बात करते हैं, अपनी लोग अपनी लोग का साथ कैसे बोलना चाहिए, ऐसा सब उसने मेरे को सिखाया था। उसके बाद वो मेरे को लेके ऐसा ऐसा घूमते हम दोनों ब्लॉग करने की शुरू हो गया। फिर अप्रैल 26 में है ना, क्या थी अप्रैल ना जून, अप्रैल 26 है ये होगा, उस टाइम में हम दोनों जंगल जाके वीडियो एक्सप्लोर किया, करते करते वीडियो तो एक बार भी मैंने एडिटिंग भी अच्छा से नहीं करता है ना, उसका साथ मेरे को लेकर उसका घर गया, वो यहाँ आके मेरे को उठा कर घर गया उसका। हाँ उसका घर जाने के बाद हम दोनों एड्रेस सोया था उसका घर में, एडिटिंग सब वगैरह उसने मेरे को सिखाया था, बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब उसने मेरे को सिखाया था, बहुत अच्छा आदमी है। हर ऐसा ऐसा नहीं मिलता इंसान, हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है लाइफ में, एक दो थ्रू मिलता है, बहुत तकलीफ ऐसा इंसान में। वो ऐसा ऐसा करते मैं मोनेटाइज हो गया इतना जल्दी, एक महीना से मोनेटाइज कर दिया मैंने, इतना शौक, आई वॉज गेटिंग शौक एंड देन, क्योंकि उसमें से आप भी बहुत मेहनत किया होगा वीडियो वगैरह। फिर मेरा बीवी ने वो नाम रखा सपना का फैमिली जो है, तब से मैं आपका शादी नहीं हुआ क्या? शादी हो गया था, हो गया, हो गया। वो शादी होने के बाद यूट्यूब का जर्नी किया ना? हाँ तीन बच्चा होने के बाद। तो शादी हो गया, कितना साल हो गया अभी? अभी 8 years हो रहा है, 8 years हो गया, 8 years हो रहा है अभी। हाँ ऐसा किया था ब्रदर रूबिन जो है मेरे को लेकर उधर गया, मेरा अपलोड वीडियो करने से टाइम और थंबनेल वगैरह सब कुछ मेरे को बना के मेरे को हिका दिया था उसने। फिर उसके बाद ये मेरे को अकेला यहाँ भेजा, फिर टाइम टू टाइम वो उसने आके मेरे को विजिट करता है, ऐसा मेरे को लेकर वीडियो करता है, वो मेरा शाउट आउट करने के साथ साथ मेरा चैनल उड़ गया, ऐसा उड़ रहा है, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर इतना ग्रो हो रहा है, ऐसा इतना ग्रो हो रहा है, मैं इतना खुशी। फिर मेरा बीवी भी हम दोनों भी इतना खुशी, आदमी लोग हम दोनों को पहचानने के शुरू हो गया अभी उस टाइम से। तो पहले तो हम दोनों इतना आदमी लोग को ब्रो मेरे को शॉर्ट आउट कर दो ना प्लीज़ बोलने से, 2000 वाला सब्सक्राइबर भी मैं तो इतना बड़ा मानता है, पहले 2000 वाला सब्सक्राइबर भी, लेकिन वो लोग भी बोलता है लाइक सब्सक्राइबर शॉर्ट आउट भी नहीं कर पाए, ऐसा कोई तो शॉर्ट आउट भी नहीं करता है, कोई तो रिप्लाई भी नहीं देता है, ठीक है, लेकिन ऐसा करते करते वो कोई कोई होता है, बहुत ज़्यादा आदमी है कॉनलेस मेरे को हेल्प किया, कॉनलेस आदमी है लेकिन नाम सब नहीं बोल सकते। ऐसा ऐसा करके मैंने अर्निंग्स शुरू होने के बाद मैंने खूब सर्च करने की शुरू किया आदमी लोग को, हम दोनों भी एक्सपेंस करना चाहिए, हम लोग उठने के लिए तो पैसा भी थोड़ा एक्सपेंस करना चाहिए ना, बिना इन्वेस्ट तो हम दोनों भी ऐसा डायरेक्ट तो नहीं होता है ना, कोई तो हो जाता है लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है तो हम दोनों जाके दिमापुर में भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग को सेलिब्रिटीज लोग को मिलने के लिए शुरू हुआ, ऐसा ऐसा करते धीरे धीरे ऐसा ऐसा करते हम लोग को पहचानने वाला भी बहुत हो गया, हेल्प करने के लिए भी बहुत आया आदमी लोग, और यूट्यूब में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर ऐसा ऐसा करते आदमी लोग अरुणाचल तक पहुँच गया, अरुणाचल तक पहुँच गया।
अरुणाचल तो सारा दुनिया से देख रहे आदमी कोने कोने से, क्योंकि एक दो तो आदमी होता है ना देखता है यूट्यूब में, हम लोग को पता नहीं चलता है वो चीज़ होता है यूट्यूब का दुनिया जो है, क्या पता दिल्ली मुंबई से भी कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा। फिर उसके बाद आपका वाइफ का चैनल खोला होगा, उसके बाद आपका ग्रो होने का साथ। हाँ, मेरा ग्रो होने के बाद उस टाइम दिस टाइम में लास्ट मंथ आया था ब्रदर मनोजो, उसने आया था मेरा घर पे, उसने बोला वो मेरा जो इंस्टाग्राम में एक वीडियो देख के ऐसा खुश हो गया, फिर इतना हम लोग का फैमिली से प्यार हो गया ऐसा बोल के उसने डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट किया, फिर हम दोनों ऐसा आके ब्रदर मनो, मैंने तो पहले से उसको मैसेज करता लेकिन वो रिप्लाई नहीं देता था पहले, लेकिन ऐसा ऐसा करते करते उसने मेरे को देख लिया होगा शायद, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मैसेज होता है ना इसलिए नहीं देख पाता है। मेरा भी खूब एक्सपीरियंस है, वो तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग भी, क्योंकि कोई कोई तो बोलता है यार आजकल तो बहुत बड़ा हो के हम लोग का मैसेज भी रिप्लाई नहीं देता है ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो करने के तो मन है ना, कितना आदमी आता है मैं सब करता है, मेरा मैसेज भी चेक कर सकते हैं, मैं तो बहुत सारा आता है, छोटा होने से बड़ा होने से मैं इक्वली ट्रिप करता हूँ, ऐसा है मेरा लाइफ जो है, क्योंकि मैं बिगिनिंग से मैं आदमी लोग मेरे को उठाकर फाउंडेशन जो है द रूबिन नागा जो है मेरा फाउंडेशन था, उसने मेरे को उठा दिया ना पहले, अभी तक भी वो ही है, मरते दम तक वही है मेरा फाउंडेशन जो है, अभी उसका नाम ही लेगा, मैं बड़ा होने से भी छोटा होने से भी उसका नाम ही लेगा। आपको बहुत सपोर्ट किया है, इतना आगे बढ़ा दिया, वो एक पीछे है मेरा बीवी, इतना सपोर्टिव मेरे को, कहीं कहीं पे जाने से भी इतना सपोर्ट करता है, यूट्यूब वीडियो बनाने से भी मेरे को इतना सपोर्ट करता है, ऐसा वाला बीवी मिला इसलिए तो हम दोनों ऐसा हो रहा है, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाया। बीवी को खराब नहीं जाने से फिर रोकता होता है ना बहुत सारा, सोशल मीडिया में भी आपको इतना अच्छा वाइफ मिला है उसका कारण से आप साथ में मिलकर आगे ग्रो हो, आपको मौका मिला है लाइफ में। और ब्रदर मनोज जो आकर आने के टाइम में हम दोनों डिसाइड किया था, और यदि पहले से डिसाइड है एक चैनल खोलने के लिए उसका है, पहले से बोल रहा था, लेकिन ब्रदर मनोज का फायदा मेरे लिए इतना एक अच्छा सोर्स आ गया था, उसके बाद मैंने उसका चैनल भी खुद खोला, उसके बाद तो दोनों का और एक तो आएगा बाद में धीरे धीरे ट्विंस का चैनल अभी तो पता नहीं, बड़ा होने से तीन चार तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो हम मेरा बीवी और हम दोनों को तो अच्छा से जा रहे ईश्वर का कृपया से बाद में हो जाएंगे दोनों का भी ट्यून्स का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा लोग ट्यून्स लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूबर बन गया ना अभी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये और एक तो है मोंगपा ट्विंस है ना, मोंगपा ट्विंस कल सुबह आज सुबह मेरे को फोन किया था, अगर वो वहाँ आ रहे जान जाने से वो पहुँच जाएगा, जान गया ऑलरेडी, जान गया वो पता चल गया तब तो जरूर वो पहुँचेगा, जरूर आजा बोल रहे वो लोग आकर मीट करेगा ऐसा बोल। ब्रदर का लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल करके आया जितना हो सकता है, पहले यूट्यूब नहीं होने से पहले तो मतलब शादी होने के बाद ही तो यूट्यूब किया था ना, शादी करने के बाद यूट्यूब किया ना, शादी नहीं हो करने से पहले, हाँ शादी करने से पहले से 2014-15 से शूटिंग करता है हम लोग, लेकिन उस टाइम में तो पता नहीं है ना क्या तो क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं है ऐसा ऐसा, उस समय भी हम लोग के पास भी नॉलेज नहीं था 2015-16 में, तो हम तो शुरू किया था 2017 में एक बार चैनल खोला है, अच्छा खासा व्यूज़ गया 25-35,000 तो अच्छा। पहले का मेरा चैनल उस समय क्या होता पता था ना, एयरटेल सिम ये क्या पता है उसमें 2G ना 3G कुछ चलता था, उसमें सिम ब्लैक बोर्ड चलता था, अभी तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना अपना अपना डॉक्यूमेंट्स पहले बिना डॉक्यूमेंट्स था, उसमें क्या करता है ब्लैक में हम लोग खरीद के आता है, तो ब्लैक सिम गायब हो जाने से फिर चैनल जो वहाँ से लिंक है ना ये सिम का साथ में, तो रिक्वायर करने के लिए भी हम लोग को सिम चाहिए, तो सिम नहीं है तो इसका वजह से बहुत चैनल उड़ गया मेरा था। अच्छा। जब से सिम आया तब से फिर ये जो चैनल मैं चला रहा हूँ अभी तो वो चैनल अभी तक वो है। अच्छा। आप लोग जब कमेंट्स आते हैं ना हीटर्स लोग भी आते हैं जरूर, हर किसी का हीटर्स होता ही है, तो आप लोग उसको कैसे संभाल लेते हैं कैसे से लेते हो? यार एक बात है वो हेटर्स लोग है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, हम लोग उन लोगों को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, हर कोई तो ना गंदा गंदा कमेंट भी देता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा खराब होगा तो ऐसा बोला तो आप लोग खुद रिमूव कर दो, हम लोग खुद रिमूव कर दो, कोई बात नहीं, हाइट का ऑप्शन भी होता है ना, उसको हाइट कर दो बहुत खराब होगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन वो लोग क्योंकि हम लोग को हेटर्स लोग जो है ना बहुत सपोर्टिव है, देयर सो सपोर्टिव,
वो लोग क्योंकि बिगिनिंग से लास्ट तक देखता है हम लोग का वीडियो, पूरा पूरी देखता है, छोटा मोटा जूम करके भी देखता है, इसलिए वो लोग तो हमको बोलता है, हम लोग को बोलता है जो जो मतलब कमेंट करते रहता ना, कमेंट करता ना, वो लोग को तो देखा है बहुत लोग ना, सारा कुंडली पढ़ लेता है वो लोग यूट्यूब पर, कोई कोई होता है कमेंट करने वाला, सारा कुंडली कौन किसका कौन कहाँ क्या है पूरा बता देता है तो वो लोग ए टू ज़ेड देखता है ना हम लोग का, हेटर्स को बहुत अच्छा है वो लोग के लिए, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, बिना हेटर्स हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा, सच बात है, क्योंकि आदमी को इंटरेस्टिंग भी होता पढ़ने के लिए, हेटर्स लोग का कौन क्या बोला है कौन क्या बोला है पढ़ते रहेगा उसमें, उसका वजह से एल्गोरिथम भी बढ़ते जाते हैं। हाँ वही तो, वही बात है। और आपका जो अभी ना फ्यूचर, अभी आपका तो इतना सारा बच्चा है, तो उसको कैसे मैनेज कर लेता है? यार ईश्वर का कृपा से अभी तो ऐसा कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है अभी तो, एक जा रहा है मेरा अभी, एक जा रहा है ना, मेरा बच्चा एक बड़ा वाला जा रहा है क्लास वन में, वो भी यहाँ LP मिडिल स्कूल में, ये ऊपर वाला स्कूल, हाँ, इसलिए अभी तो एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या बोले, क्या झूठ बोलेगा यार, बच्चा लोग तो ऐसा ऐसा है, मेरे तो छोड़ो, मेरा वो मेरा वाइफ को इतना मुरम लगता है, उसको इतना प्यार, बहुत स्ट्रगल करता है वो ना, मैं कहीं पे भी जाने से, वो जंगल जगह खेती टाउन जाने से, तो वो अकेला सब संभालता है ना, उसके लिए उसको बहुत बहुत मुरम लगता है, क्यों झूठ बोलेगा, उसको सब उसका हार्ड वर्क उसको ऐसा मेरा बच्चा लोग को बढ़ा करके वो सब उसने किया ना, नहीं मे भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा देर सबसे ज़्यादा वाला तो वाइफ मिला है आपको ऐसे प्यार दिया, शी सो सपोर्टिव, मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, हम लोग भी दुआ करते हैं हर किसी को ऐसे वाइफ मिले जो आपको सपोर्ट करने वाला, आपको साथ देने वाला जिंदगी भर ना। हाँ बहुत बड़ा, 1,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है, तो जो जो नया ग्रो अप होता है उन लोग को क्या नॉलेज देने चाहेगा? अच्छा यार गाइस, आप लोग बाय चांस आप लोग यूट्यूब में काम करने वाला है तो काम करने के लिए मन है तो आप लोग सभी कर सकते हैं, यूट्यूब में तो क्वालिफिकेशन ज़रूर नहीं है, कुछ ऐसा तेज इंटरव्यू ऐसा वाला नहीं है, एक चैनल, एक सिंपली क्रिएट वन जीमेल अकाउंट, वन ईमेल अकाउंट, एंड देन यूट्यूब में लॉग इन कर दो, फिर उसके बाद आपका नाम मेंशन बनाना है, इतना ईजी है तरीका, बहुत ईजी है वो, इससे आप वीडियो बना के अपलोड करके पैसा कमाना है ना, बहुत ईजी है। आपने कभी ऐसा शुरू कर दिया बाई चांस आपने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए सबसे पहले, एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए हम लोग को, रोज़ डालना चाहिए ना ऐसा, आप कोई लोग तो बोलता है रोज़ डालने से अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है बोल रहे ना, लेकिन मैंने तो खूब टेस्ट किया, नोटिस किया ना, रोज़ डालने के लिए तो फ़ायदा अलग है, कुछ अलग है, सब्सक्राइबर भी इतना ज़्यादा गेन करता है, यूट्यूब भी इतना रिकमेंड करते हैं हम लोग का वीडियो जो है, लेकिन थंबनेल भी बहुत जरूरी है, थंबनेल टाइटल, हाँ थंबनेल टाइटल बहुत डिपेंड करता है, हाँ वो भी डिपेंड करता है, थंबनेल टाइटल भी बनाना चाहिए, अगर आप जितना भी अच्छा वीडियो बना लो मगर आप थंबनेल और टाइटल खराब बनाएगा तो कोई नहीं दिखेगा, चाहे तो आपका वीडियो का अंदर में जितना भी अच्छा हो टाइटल कंटेंट जो हो, फिर भी वायरल नहीं होता ना, किसी का वायरल नहीं होता, क्योंकि थंबनेल और ये क्या बोलता है टाइटल जो है बहुत डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट और थंबनेल क्लिक बैक बटन है, क्लिक बैक ये बहुत ज़्यादा आदमी क्लिक बैक यूज़ करता है, लेकिन क्लिक बैक ऐसा वाला तो अच्छा नहीं है, ऐसा वाला यूज़ मत करो, बी नेचुरल, आप क्या हो रहा है ना वही ऐसा सब कर दो, हाँ ऐसा वाला करो, ऐसा क्लिक बैक कोई कोई तो ऐसा करता है ना, यहाँ में तो जंगल में काम कर रहे हैं, लेकिन लड़का लड़की का जो फोटो है ना इतना ऐसा पोता पोता हो के नेकेट का स्टाइल में डाल के ऐसा व्यूज़ मिलाने के लिए ऐसा वाला करके डालता है, कोई तो करता है, लेकिन ऐसा वाला मत कीजिए, करने से इतना प्योर नेचुरल में करो, ऑथेंटिक ना, ऐसा ऐसा वाला सेट में करने से मस्त है ना वही क्या हम तो इंटरव्यू भी कभी भी नहीं लेता है, फिर ऐसा वाला आइडिया क्वेश्चन एंड आंसर मैंने भी कभी पहले बार उसने मेरे को लिया था, बात भी अच्छा से नहीं कर पाता है, लेकिन मैंने जबरदस्त उसका बात आंसर दे रहा है, कुछ गलत बोले है तो हम दोनों को भी माफ कीजिए, माफ कर दो, क्योंकि मेरा भी फास्ट है, मैं इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि आइडिया नहीं होता हम लोग के पास, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते रहते ना वो लोग के पास थोड़ा नॉलेज होता है ना, क्या पूछना है उसके बाद क्या पूछना है क्या जवाब देना है वो लोग के पास पहले से रहता है, दिमाग में चलते रहता है, हम दोनों तो बिना प्रिपेयर करके डायरेक्ट हो रहे हैं, दूसरा लोग कम से कम लिख के तो देख के तो क्वेश्चन लेते हैं ना, तो गाइस क्या करेगा, जितना हो सकता है सेफ बेटर सपोर्ट करना अरुणाचल से जो भी देख रहा है, मैंने भी सेफ बेटर को नहीं जानता था, सबसे पहले मैंने पम्पम का मुंह से सुनते रहता, अच्छा सेफ नागा फैमिली, सेफ नागा फैमिली, सेफ नागा फैमिली कौन है सोचते हम बाद में सर्च किया हम,
तो पम्पम बोला है सेब नागा फैमिली का वहाँ जाएगा बोल के ऐसे से बोला, क्योंकि ऐसे कनेक्ट होता है एक दूसरा को जान पहचान। हाँ, हाँ, जैसे हम पम्पम का थ्रो से आपको जाना है तो ऐसे करके बहुत सारा बॉन्डिंग हो जाता है, कनेक्ट होता है एक दूसरा को, ये दोस्त 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 ऐसे बन बन के जैसे बन बन के ऐसे करके आगे जान पहचान बढ़ता है। हाँ, मैंने भी लाइफ लाइफ में कभी भी नहीं सोचा मैं अरुणाचल में इतना दोस्त अच्छा अच्छा आप लोग जैसे मिलेगा बोल के भी नहीं सोचा, मेरा दिमाग भी नहीं था, फिर ड्रीम भी नहीं था वह सब। इतना अचानक आप लोग इतना प्यारे प्यारे दोस्त अरुणाचल में, वो सब भी एक ही जवान लड़का लोग पूरा पूरी मेरे गांव में आ गया, हम लोग इतना अच्छा मिला, सब भी बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ आदमी, इतना अच्छा अच्छा बहुत काइंड हार्टेड थे वो लोग आप लोग सभी ना, कितना आदमी यहाँ आया था आप लोग सभी सेम, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने फ्यूचर में देख रहा है, फ्यूचर में नहीं भी कल परसों में हम लोग जाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेगा वो जाके हम लोग ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं सीटी स्कैन, यस सीटी स्कैन बोलते हैं ना, सीटी स्कैन, ये सीटी स्कैन करने के लिए बोल रहा था। सबसे पहले वो करके जितना हो सकता है हम लोग वो करेगा, डॉक्टर का ये क्या बीमारी है उसको मेन कागज में लेगा, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे ये आयुर्वेदिक का मेन। लेकिन बाई चांस ऐसा ऐसा दिमापुर में वो लोग उधर में कर लो ऐसा ऐसा कर लो बोलने से तो क्या करेगा वो, नहीं, वो लोग हो जाएगा नहीं, 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 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आयुर्वेदिक का बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका जो भी बीमारी है सब निकल देगा, वो बहुत तगड़ा है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है उसको उस दिन में, क्योंकि वो बहुत नामी वाला है। अच्छा। क्योंकि वो भी अरुणाचल का इतना छोटा स्टेट से मिलना मामली नहीं ना, क्योंकि अच्छा काम करता है हर कोई जानता है वो ठीक करता है बोल के, तो उसका कारण से उनको मिला है। नहीं तो डॉक्टर लोग भी कोई कोई ठीक नहीं कर पाता, मगर वो ठीक कर देते हैं, ऐसे तगड़ा है वो। अच्छा, फेमस है वो है। ब्रदर भी जाएगा हम लोग का साथ में अरुणाचल प्रदेश, देखते हैं आप लोग ब्लॉग में तो दिखाई देते रहेंगे वो है, इसलिए जितना भी अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं ब्रदर को भी सपोर्ट करना, हमेशा ब्लेसिंग देना, उनका बीमारी ठीक हो जड़ से जड़। जब बीमारी ठीक होगा तभी तो इनका लाइफ आगे जाएगा और जितना हो सकता है, क्योंकि इनके परिवार बहुत सारा संभालता है ना, बच्चा इतना सारा बच्चा है, ब्रदर और इनका वाइफ दोनों मिलके देखते हैं, क्योंकि ब्रदर नहीं होगा तो उसका इनका वाइफ कैसे संभाल पाएगा फैमिली, नहीं क्या, इसलिए जितना होता है प्रे कर देना ऊपर का कृपा से, जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इनका जितना भी दुख तकलीफ बीमारी है सब दूर हो जाए। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो ना, मेरा अभी आप लोग देख रहा होगा मेरे को इतना अच्छा है, बीमार सेमार नहीं है, ठीक ठाक दिख रहा है, मे भी पता नहीं चल रहा है मेरा मेरा पास मेरा साथ आजकल क्या हो रहा है पता नहीं, मे भी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, इतना ठीक ठाक, कुछ बीमारी सेमारी जैसा शक्ल वाला नहीं है मेरे पास, कब रात होगा ना, कब एवनिंग हो जाएगा ना, मेरे पास क्या होता है पता नहीं, यहाँ मेरा मन है ना जो दुख होता है, लाइक हाउ कैसे बोलेगा मैं कैसे बोलेगा, दुख बोलता है आप लोग भी दुख, दुख होता है तकलीफ अंदर में, ऐसा माने पेन नहीं होता है ठीक है, लेकिन दुख लाइक आई वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक वेरी सैडली, ऐसा कुछ होता है ना दिमाग में भी कुछ सोच के इतना सैड होता है, लेकिन यहाँ में तो इतना दुख होता है, कुछ हो रहा है ना क्या हो, कुछ हो जाएगा ना क्या हो, ऐसा सोच के ऐसा यहाँ फील आता है पहले सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ गर्म 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 इसके साथ यहाँ से अचानक से ये जगह से फील होता है ना। हाँ, फील पहले बार पहले आता है यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ गर्म गर्म आता है, फिर उसका ब्रीथिंग तो इतना अच्छा से लेने देता है, ब्रीथिंग तो आधा आधा लेता है, ऐसा करने से भी एक स्टॉप कर देता है आधा में, फिर आधा आधा ब्रीथिंग लेता है, ऐसा होकर बहुत तकलीफ हो जाता है रात में इवनिंग होने से ना, इसलिए सिर्फ उसके लिए हम लोग जा रहे हैं मेडिकल के लिए, वो अच्छा हो जाएगा, बाई चांस दिमापुर भी जाके पूरा पूरी ऐसा कुछ ऐसा फैसिलिटी अच्छा मिलने से तो उधर में भी हो सकते हैं, नहीं होगा तो अरुणाचल में ज़रूर अरुणाचल में जाने के लिए हम लोग प्लान किया सोच रहे हैं अभी, इसलिए मेरे लिए प्रे करो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेयर में आप लोग का दुआ है मेरे, और भी प्रेयर चाहिए, सिर्फ मेरा एक लिए नहीं है लेकिन मेरा फैमिली जो है मेरा बच्चा तीनों की भी छोड़ कर जाने वाला है, हम दोनों बच्चा लोग छोड़ कर जाएगा, ट्विंस दोनों हम दोनों का साथ होगा, हम लोग ले जाएगा, लेकिन बच्चा लोग सब भी घर पे है, सो प्लीज रिमेंबर अस इन योर प्रेयर, थैंक यू, वही बोलना चाहता हूँ मैं। तो आप लोग भी जितना हो सकता है प्रे कर देना से ब्रदर का फैमिली और उनका पूरा सारा फैमिली को प्रे कर देना आप लोग दिल से, और प्रे करना जितना हो सकता है इनका बीमारी दूर हो। चलो वीडियो को इसमें
समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप लोग नया है तो आप लोग मेरा व्यूअर्स लोग कोई यहाँ नया आया हो तो उसका ब्रदर का चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, उसका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा इंसान है, काइंड हार्टेड। फिर बहुत पहले बार मिला लेकिन इतना हम लोग इतना पुराना दोस्त जैसा ओल्ड दोस्त जैसा हम लोग मिलकर बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वो लोग सबको आप लोग सभी को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं। फिर अरुणाचल वाला लोग जल्द से जल्द हम लोग आके उधर मिलेगा। जय हिंद, जय वंदे मातरम।